सो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और मैं निकल चुका हूँ एक छोटी सी राइड पे, मतलब शाम का आनंद लेने के लिए। और मैं हूँ अभी नोएडा के सेक्टर 60, पता नहीं कौन सा सेक्टर है ये, बट ऑलराइट। तो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी नीरज जक्का एंड यू आर वाचिंग NEK व्लॉग्स। सो गाइस शाम के बज रहे हैं 6 और मौसम हो, देखो बॉस क्या मौसम हो रखा है यार। अभी एक छोटी सी राइड पे निकला हूँ मैं शाम के वक्त, इसको बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन वीडियो बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं रोड पर निकला हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन ही हो गया तरीके से। देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं एक ऑब्जर्वेशन वीडियो बनाने की कि, और देखो यार, तो मेरे राइट साइड में सूरज मामा डूबते हुए, सॉरी सूरज चाचू डूबते हुए, और रास्तों पे दिख रही है भीड़। यस, हालांकि अभी तो कोविड का टाइम में भीड़ थोड़ी कम है, वरना इस वाले रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मेरे लेफ्ट साइड में कैलाश हॉस्पिटल और ये मैं पहुंच चुका हूं सेक्टर 70। और मौसम देखो यार क्या मौसम हो रखा है यार, आप लोगों को क्या व्यू दिख रहा होगा यहां से। तो यहां से मैं सीधा लूँगा और फ्लाईओवर से ऊपर चलते हैं और आप निगरानी में हैं कैमरा के। ओके, स्पीड लिमिट 60-40 फॉर कार, 40 एंड कार 60 एंड ट्रक के लिए 40। ये वाला हाईवे मस्त है यार, इस वाले रोड में चलाने का मज़ा आता है बहुत। और मेरे राइट साइड में सूरज चाचू बहुत सुंदर लग रहे हैं। ब्लू हॉर्न, अच्छा ट्रक से यार थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मैं तो हमेशा ट्रक वगैरह से दूर ही रहने की कोशिश करता हूँ, और कोई भी व्हीकल हो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखता हूँ क्योंकि कभी भी सामने वाला कभी भी ब्रेक मार सकता है। मैं कभी भी, अभी जस्ट मैं नहा के निकला था, सर मेरा थोड़ा सा भारी भारी सा हो रखा है। अच्छा कैमरा की ही निगरानी में है, अच्छा वैसे भी अच्छा किया, वरना इस वाले हाईवे पर तो लोग भगाते ही हैं बहुत ज़्यादा। मेरे जैसे जो बाइकर्स हैं तो उनको रोकने के लिए ये अच्छा तरकीब अपनाया है, हैट्स ऑफ टू नोएडा पुलिस। और यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट, जो कि यहाँ से फिर लेफ़्ट लेने के बाद फिर मैं यू टर्न लेके राइट लूँगा स्पाइस के साइड से, स्पाइस मॉल। अगर आप लोगों को नहीं पता स्पाइस मॉल कहाँ है तो नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 22 में स्पाइस मॉल। पहले बचपन में जाया करता था यार मैं मूवी वगैरह देखने के लिए, अब तो बहुत जगह मॉल्स खुल गए हैं तो कभी जाना नहीं होता उधर उस साइड को। तो आज एक उसकी झलक दिखाऊंगा आप लोगों को, झलक क्या बट मैं तो साइड से निकल जाऊँगा, बट आप लोगों को एक कोशिश करूँगा कि राइट हैंड साइड में दिखा दूँगा आप लोगों को। तो मैं हूँ अभी 57 की स्पीड पे, 58। ओके, तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि मैं ज़्यादा स्पीड में चलाना पसंद नहीं करता, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं ज़्यादा इतना स्पीड में बाइक राइड करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं पसंद, और क्योंकि आई एम अ ट्रैवलर नॉट अ प्रो राइडर, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, अगर आप कहीं भी पहुंच रहे हैं तो भले ही थोड़ा सा लेट हो जाओ बट यार इतना स्पीड में चला के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो ये ले लिया मैंने, आगे से मैं लेता हूँ। वैसे मैं यहाँ से राइट साइड से भी जा सकता था, वो वाला मेरे को ज़्यादा इजी पड़ता, बट मैं जानबूझ के इधर से जा रहा हूँ बिकॉज़
शाम का वक्त है, घर में वैसे भी लॉकडाउन पे पूरा बोर हो जाते हैं हम लोग, तो डेफिनेटली एक राउंड मारने में क्या जा रहा है यार। यहाँ से एक स्मूथ कॉर्नरिंग करते हैं, ये किया मैंने स्मूथ कॉर्नरिंग छोटा सा। ओहो फंस गए, इसकी वजह से मैं थोड़ा हो जाऊंगा धीरे। तो गाइस मेरा हो चुका है पेट्रोल ख़त्म, तो बस अब पेट्रोल भराना पड़ेगा। आगे देखते हैं पेट्रोल पंप, स्पाइस के आगे एक है पेट्रोल पंप, लगता है मुझे वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक राउंड मार ही रहा हूँ तो मैं पेट्रोल भी भरा ही लेता हूँ। मेस्ट्रो एज नाइस, मेरे पास भी एक स्कूटी हुआ करती थी यार, बट मैंने सेल कर दिया उसे। स्कूटी चलाने का भी एक अलग ही मज़ा है यार अपने में, जैसे एंटॉग हो गया, जुपिटर हो गई, अच्छी लगती है मुझे ये। चलिए भाई 9 7 6 5 4 3 2 1 गो। सो ये हमारी हो गई है ग्रीन। वैसे भी स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए रेड लाइट्स वगैरह को, वाई बिकॉज देखो यार ऑब्वियसली चलान कटवाने से फ़ायदा तो है यार, रेड लाइट पे रुक जाओ, मतलब रूल्स के फॉलो कर लो, आपको कौन सा जल्दी पहुंच के कहीं कुछ मिलने वाला है, कुछ अवार्ड तो मिलने वाला है। सो गाइस मैं बात कर रहा था स्पाइस की, तो ये है स्पाइस मॉल, सेक्टर 12-22 में है, वेरी ब्यूटीफुल मॉल, दिख रहा होगा आपको अंदर से बहुत ब्यूटीफुल। पहले ज़्यादा मॉल्स नहीं हुआ करते थे, तब उस टाइम में लोग यहाँ पे आते थे बहुत, इवन मैं भी आता था बहुत, क्योंकि नोएडा में ये एक मॉल था उस टाइम में, और एक GIP था जो कि ज़्यादा फेमस थे मूवीज़ के लिए। तो अब तो वैसे भी DLF हो गया है, और यहाँ पे और भी मॉल खुल गए हैं। सही है, तो यहाँ से लूँगा मैं राइट, अगर सीधा जाओगे तो आपको आएगा सेक्टर 11। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से राइट, तो मैं भरवाऊँगा यहीं पे, पेट्रोल पंप है यहाँ पे, मैंने एक पेट्रोल पंप देखा था, कहाँ गया हीरा। तो गाइस हम भराएंगे पेट्रोल यहीं से, पीछे कोई नहीं है ना? नहीं है, ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है ये वाला रूट, बट ठीक है कोई नहीं। ओ लंबी लाइन है भाई, कोई नहीं। सो गाइस पेट्रोल डल चुका है, अब निकलते हैं घर की ओर, यहाँ से लेते हैं राइट देन लेंगे लेफ्ट। आहा ठंडी हवा यार, 2 मिनट के लिए क्या रुका मैं, इतनी गर्मी हो गई ना अंदर, बाप रे। अरे कैसे करोगे डॉगी यार, डॉगीज भी ना इधर उधर होते रहते हैं, डॉगीज़ का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी भी आके मतलब आपकी बाइक के सामने आ जाएंगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मैं वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज़ पे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो 12-22 में मेरा एक दोस्त रहता है, आपने मेरे शायद व्लॉग में देखा होगा, मसूरी वाले जो व्लॉग था मेरा चंबा वाला, उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसको। तो देखते हैं, कॉल करते हैं, मिलाते हैं उसे, इन केस अगर वो फ्री है, मिलता है तो ठीक है, मिल लेंगे, अदरवाइज हम चलेंगे घर।
ऑलराइट सो गाइस, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो मैं निकलता हूँ अपनी मंजिल की तरफ, मतलब अपने घर की साइड। भाई बिना हेलमेट, दोनों लोग बिना हेलमेट के, क्या बोलूँ। इनको पता है कि सिचुएशन इतनी ख़राब है और जगह जगह पे बैरिकेड्स लगे हैं और लोगों को रोक के चालान काट लिया जा रहा है, फिर भी लोग लोगों को हेलमेट नहीं पहनना है। सारी दुकानें बंद है भाई, सारी दुकानें यहाँ की, मतलब एक दो को छोड़ के, सॉरी एक दो को छोड़ के, सारी दुकानें नहीं, एक दो को छोड़ के कार की दुकानें खुली है नोएडा में। अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है नोएडा में और किसी को अपनी कार ठीक करानी है तो वो यहाँ पे आके करा सकता है क्योंकि एक दो दुकानें खुली हुई हैं। तो ऑलराइट, सब कुछ अच्छा है, अभी मौसम भी मस्त है, नज़ारे भी अच्छे हैं और हमने पेट्रोल भी डला लिया है। स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। वैसे गाइस, मैं ज़्यादा इतना बोलता नहीं हूँ बट मैं व्लॉगिंग करना है तो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे कि कैसे, मतलब डेली व्लॉग करना। तो धीरे 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 मैं निकल रहा हूँ और धीरे 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 मैं सीख जाऊँगा और धीरे 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 मैं, देखो मेरी गाड़ी चल रही है और मैं धीरे धीरे घर भी पहुँच जाऊँगा। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ 121 सेक्टर 121 मेरा मतलब है। अरे बाप रे, कैसे करोगे इतना स्लो जाने को, और किसने बोला था। ऑलराइट सो, कुछ भी नहीं है इधर भी खाने को, मतलब सब जगह बंद है। तो ले लेते हैं हम यहाँ से राइट, तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट। तो निकला था जैसे ही शाम को, ऐसे ही शाम के 6 बजे कुछ निकला था मैं और नहा वगैरह कर निकला था और अभी मेरा सर दर्द हो रहा है थोड़ी। तो टिल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। टिल देन सी यू अगेन इन अनदर ब्लॉग। तो बाकी की बातें हम मिलेंगे। तो गाइस, आज मैं बस ऐसे ही शाम को निकला था, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था और घर में बैठे बैठे बोर भी हो गया था। तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था आज मैंने कोशिश किया, फर्स्ट टाइम था मेरा ऑब्जर्वेशन वीडियो ये। तो आई होप यू लाइक इट और मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, फिर नेक्स्ट ब्लॉग। और बाकी मिलते हैं, लोग देखते हैं, पता नहीं क्या क्यों देखते हैं लोग, अगर जब कैमरे को ऐसे होल्ड किया होता है तो पता नहीं मुझे। सो गाइस, आवाज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। टिल देन, कीप राइडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मेक योर लाइफ एडवेंचर।